بسم الله الرحمن الرحيم. आज इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि सर आप अपने स्कूल या किसी भी इदारे के लिए, ठीक है, एकेडमी के लिए मोनोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है, मतलब किस्म के मोनोग्राम इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा. सबसे पहले आज हम एक मोनोग्राम डिज़ाइन करते हैं. मतलब हमारे पास है मोनोग्राम सर्कल टाइप का, ठीक है. तो हम यहाँ पे आके क्लिक करते हैं जी शेप्स के ऊपर और यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से उठा लेते हैं एक सर्कल. ठीक है, सर्कल उठा लेंगे, लेकिन कौन सर्कल? हॉलो सर्कल जो हमारे पास होता है, जिसके हर साइड के ऊपर एम्प्टी स्पेस जगह होती है. ठीक हो गई ये. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ले ली एक सर्कल, ठीक है. इसका साइज थोड़ा सा क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, या यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं. इसको 5x5 करते हैं, ठीक है. आप लोग 5x5 मतलब हर साइड से कितना हो जी, 5x5, ठीक है. अब ये हो गया. इसको फिर क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसके जो हमारे पास वेट थे उसको क्या कर लेते हैं जी, कम कर लेते हैं. ये मैंने कर दिया, ठीक हो गया जी. उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और सॉरी यहाँ पे जाते हैं शेप्स के अंदर और यहाँ से एक फ्लावर टाइप का एक शेप्स इंसर्ट करवा लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हो गया, ठीक है. ये अब इसको भी आप क्या कर दो, 5x5 कर दो उसके डाय सॉरी क्या कर दो, ये कलर चेंज कर दो, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा दिखाई दे. हम अगर इसको भी पहले इसका कलर क्या कर लेते, चेंज कर लेते हैं, कलर कर लेते जी ग्रीन, ठीक हो गया जी. ये ग्रीन आ गया और इसका आउटलाइन क्या कर लेते जी, ख़त्म कर लेते हैं. उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करते हैं. इसका भी इसी के साथ मिलते जुलता या कोई भी कलर आपको पसंद जो है तो आप लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं रेड ही लगा लेता हूँ, ये वाले डायग्राम ये लगा लेता हूँ, ठीक है. इसका आउटलाइन क्या कर लेता हूँ, ये ख़त्म कर लेता हूँ. और इसका भी क्या कर लेता हूँ, साइज़ 5x5, ठीक हो गया, 5x5 ये ठीक हो गया. अब इसके ऊपर क्या कर लेते हो, इसको एडजस्ट करते हो, ये आ गया, ठीक हो गया जी. अब आप क्या करते हो जी, इसका अगर थोड़ा सा इन दोनों को हम क्या आपस में क्या कर लेते हैं जी, इन दोनों को आपस में ग्रुप कर लेते हैं, इसको भी और साथ इसको भी, ठीक हो गया. दोनों को क्या कर लेते हैं जी, ग्रुप कर लेते हैं. बल्कि यहाँ पे पहले क्या कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रा करवा लेते हैं. इसको सेंटर से क्या कर लेते हैं, एम्प्टी या वाइट जिसे आप कहते हो कर लेते हैं, ठीक हो गया जी. ये यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रा करवाता हूँ, ठीक है. इसका कलर से मैंने आपको बताया, फिर आप वाइट कर लो या जो आपको पसंद आए. हम वाइट रखेंगे यहाँ पर कलर इसका, ठीक है. यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, एडजस्ट करते हैं ये, ठीक है. और यहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया ये. और यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट करता हूँ ताकि हमारे पास ये जो वाइट स्पेस है वो आपको नज़र ना आए, ठीक है. यहाँ से थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, ये हो गया. और ऊपर से भी क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, ये ठीक हो गया, ये हो गया. अब अगर आप चेक करें तो हमारे पास इसका कलर क्या कर लेते हैं जी, वाइट कर लेते हैं, ये वाइट हो गया, ठीक हो गया जी. ये आप इन सबको अगर मैं क्या कर लूँ, सिलेक्ट कर लूँ और इनको क्या कर लूँ, ग्रुप कर लूँ, तो मैं इसको ग्रुप कर सकता हूँ. बल्कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, साथ इसके ऊपर भी क्या कर लेते हैं ग्रुप, और इसको क्या कर लेते हैं जी ग्रुप. सॉरी ग्रुप का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, एक मिनट, ठीक है, ठीक हो गया. अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके एक आप लोगों ने जो भी मोनोग्राम मतलब यहाँ पे कोई बुक्स वगैरह इंसर्ट करवानी है, सेंटर में लगाना है बुक वगैरह, तो हमें लगा के आपको चेक करवा दूँ, ठीक है. आप लोगों ये जो मैं यहाँ पे इंसर्ट करवा रहा हूँ बुक, या जो लोगों में आप लगाना चाहते हो, आप ख़ुद भी बना सकते हैं मिस वर्ड में, लेकिन मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है जी नेट से, ठीक है. आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं. अब यहाँ पर मैंने इंसर्ट करवा दी, ये बैक एंड पे आ गया. यहाँ पर वर्म टेक्स्ट में आ जाएंगे, इसको क्या कर लेते हैं जी, फ्रंट पे कर लेते, ये हो गया. और इसको क्या कर लेते हैं जी, क्राफ्ट नीचे से जो हमारे पास हमें जगह नज़र आ रही है इसको क्या कर लेते हैं जी, डिलीट कर लेते हैं इससे, ये ठीक हो गया ये. और साइडों से भी इसको डिलीट कर लेते हैं ये, और यहाँ से भी डिलीट कर लेते हैं, ठीक है. और यहाँ से भी अगर आप करना चाहते हो तो डिलीट कर लेते हैं, और यहाँ पर प्रेस कर लेते हैं जी एंटर. अब ये डिलीट हो गया, ठीक है. हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक हो गया जी, ये आ गया. उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके नीचे मतलब आप अगर कोई आप लगाना चाहते हो, लिखना चाहते हो कोई चीज़, मैं यहाँ पे आता हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने ये उठा लिया और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको एडजस्ट करता हूँ. अच्छा जी, यहाँ पे इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ, उसके साइज़ थोड़ा सा ये हो गया. यहाँ पर आके इसको थोड़ा सा साइज़ कम कर लेते हैं इसका, ये हो गया, ठीक हो गया जी. ये यहाँ पर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो, जहाँ पर आपको ये अच्छा लगे आप वहाँ तक इसको कर सकते हैं, ठीक हो गया जी. ये बल्कि इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे इसके साथ लगा लेते हैं डेट वगैरह. आप इसके अंदर क्या कर लेते हैं, लोग टेक्स्ट सेट करते हैं, इसे कलर चेंज कर लेते हैं. इसका कोई कलर आप अगर रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इसके मैं कलर रखना चाहता हूँ ये वाला,
या येलो कलर रखना चाहते हो येलो, या रेड रखना चाहते हो रेड, जो आपको पसंद आया वो कलर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये रखना चाहता हूँ, इसका आउट लाइन को क्या कर लेता हूँ, ख़त्म कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके टेक्स्ट में क्या कर लेता हूँ जी, इंसर्ट करवा लेता हूँ टेक्स्ट। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ जी कि ये लोग हमारे पास कब से, ये 2020 से। ठीक हो गया, इसको बोल्ड कर लेते हैं जी, सेलेक्ट करके, सॉरी इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक हो गया, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आते हैं। इसे कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, इसका कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज हो सकता है, जो कलर आपको पसंद आए वो रख ले यहाँ पे। ठीक हो गया जी, ये कलर इसके साथ आप लगा सकते हो जी, इसका शेडो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं रख लेता हूँ, इसको यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे सेंटर में एडजस्ट कर लेता हूँ ये। ठीक हो गया जी, इसके नीचे आप क्या करते हो, यहाँ पे इंसर्ट करवा लेते हो, सॉरी टेक्स्ट में आके कोई और चीज़ आप इंसर्ट करवाना चाहते हो, नीचे लिखना चाहते हो, ठीक है, अकेडमी का नाम या जो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास साइंस अकेडमी होगी, ठीक है, एस एम प्रोडक्शन होगी, मैं यहाँ पे एस एम प्रोडक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, जो आप लिखना चाहते हैं इसको भी कंट्रोल ए, और इसको क्या कर लेते हैं, बोर्ड कर लेते हैं। इसका स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हो, साइज यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया। इसके नीचे भी मैं क्या कर लेता हूँ, इसके शेडो लगा लेता हूँ ताकि आपको क्लियर और अच्छा दिखाई दे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हो गया, ये हो गया। ठीक हो गया जी, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं जी, एक और सर्कल यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं और उसके साइडों पे लगाना चाहते हैं कि स्कूल का नाम वगैरह जो भी हमारे पास होता है। ठीक हो गया जी, तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं हम लोग, एक सर्कल ड्रा करवा लेते हैं ये। ठीक है, ये आपके पास बिल्कुल इसे इतना सर्कल ड्रा करवा लेते हैं हम लोग, साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि आपको जो नीचे जो चीज़ें आपने ऐड की वो आपको क्लियर दिखाई दे, ये हो गया। ठीक हो गया जी, अब इसका कलर वगैरह जैसे मैंने आपको बताया चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये लगा लें, या कोई और कलर आपको पसंद हो तो आप वो भी लगा सकते हो। ठीक हो गया जी, फॉर एग्जाम्पल हम ये लगा लेते हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फिर उसी तरह टेक्स इंसर्ट करवाते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक साइंस अकेडमी, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी के एस एम साइंस अकेडमी। ठीक है, साइंस अकेडमी अटक, ये मैंने कर दिया। ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद हम इसको क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी बोर्ड कर लेता हूँ, साइज इसका मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया, और इसको आके यहाँ पे फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पे इसका स्टाइल क्या कर लेते हैं जी, चेंज करेंगे ये। ठीक हो गया, अब इसको क्या क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एडजस्ट करवाना चाहते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे और इसकी बिल्कुल ऊपर आ जाइए। ठीक हो गया जी, इसका साइज थोड़ा सा और भी हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हो गया, बल्कि इसको आप क्या करते हैं, इसके साइज़ को अगर आप इंक्रीज कर दो तो आई थिंक फिर ठीक लगेगा ये। ठीक हो गया जी, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं ये। ठीक हो गया, ये अब इसी को क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं ताकि नीचे की तरफ ये इसी तरह आपको दिखाई दे। ये इसको 90 के एंगल पे आ जाते हैं यहाँ। ठीक हो गया जी, ये इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं, इसके नीचे लगा देते हैं यहाँ पे, ये इधर। ठीक हो गया जी, थोड़ा सा इसको ऊपर ये। अच्छा जी, आप देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म का आपके पास लोगो बन चुका है। अब इसके साइडों पे हम क्या करवा लेते हैं जी, इंसर्ट करवाते हैं इसके साइड थोड़े से हम लोग और डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे आके हम लोग लेते हैं जी ये वाला हाफ सर्कल, ये आपने ले लिया। ठीक है, इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज फिर करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज बाद में। ठीक है, आपने क्या करना, इसके साइड लगा देनी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ ताकि इसका साइज थोड़ा सा क्या हो जाए जी, कम हो जाए, इस जितना हो जितना भी पास ये सर्कल बना हुआ है। ठीक हो गया, ये इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं यहाँ से, सॉरी इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको ओपन करते हैं यहाँ से भी, और इसको ओपन करते हैं यहाँ से भी। ठीक है, ऐसे, और साइज थोड़ा सा और इसका कम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक हो गया जी, ये
अब इसको हम क्या कर लेते हैं जी, घुमा लेते हैं नीचे की तरफ यहाँ पे, ठीक हो गया जी, थोड़ा सा और ये इसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं और इसको भी यहाँ से थोड़ा सा इनर साइड की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ से भी इसको थोड़ा सा इनर साइड की तरफ लेके आते हैं, ये ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको बल्कि आप क्या कर लो, ये क्या कर दो, 6x6 कर लेते हैं इसको, या 7x7 कर लेते हैं, 7x7, ठीक हो गया। अभी ये साइज थोड़ा सा इसका ग्रेटर हो गया, और इसको अगर मैं क्या करता हूँ 6x6 कर दूँ तो शायद ठीक लगे, 6x6, ठीक हो गया जी। ये अब देखते हैं, हाँ बिल्कुल अब क्लियर हो गया, ठीक है ये। अच्छा जी, तो थोड़ा सा अगर आप ऊपर करना चाहते हैं तो ऊपर कर ले, इसके आप अगर आउटलाइन ख़त्म करना चाहते हैं, आउटलाइन रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसका कलर क्या कर लेते, चेंज कर लेते, थोड़ा सा यहाँ पे ये लगा लेते हैं, ठीक है। इसका कलर क्या कर लेते हैं, ये चेंज, ठीक हो गया ये। अच्छा जी, अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं इंसर्ट के ऊपर, और यहाँ से क्या इंसर्ट करवाते हैं जी, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल उठा लेते हैं जी यहाँ से, ठीक है। जितने ही इंसर्ट करवा लेते हैं, यहाँ से लेके आते हैं नीचे की तरफ इसके बराबर, ठीक हो गया, ये तकरीबन ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं जी, क्या जी, राइट, और यहाँ पे एडिट पॉइंट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, इस पॉइंट को नीचे की तरफ खींच लेते हैं ताकि एरो टाइप्स बन जाए बिल्कुल सेंटर, ठीक हो गई ये। अब अगर आप चेक करो देखिए, जबरदस्त किस्म का शेप बन गया, इसमें भी क्या करेंगे, यही कलर फिल करते हैं ये वाला, या कलर आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लगा लेते हैं, ठीक हो गया। आउटलाइन से क्या कर लेते हैं, ये ख़त्म कर लेते हैं, ये इसको आप यहाँ से कॉपी करते हैं और इधर ही क्या कर लेते हैं जी, इंसर्ट करवाते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे आके एडजस्ट कर लेते हैं ये। अब अगर आप चेक करो तो हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का मोनोग्राम बन चुका है, ठीक हो गया जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के मोनोग्राम या किसी भी तरह के डिज़ाइन को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।